नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में अलग अलग जगहों पर जब चुनावी रैलियां हो रही थी उस वक्त हेमंत सोरेन साहब के मुंह से यह बात तो जरूर सुना होगा कि राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के मसले को जल्द से जल्द सुलझाएंगे। अब इसके पीछे क्या पहेली है, आखिर यह मुद्दा जो है कहाँ फंसा हुआ है? क्योंकि जब सरकार कह रही है कि सुलझाएंगे, जब मंत्री का घेराव होता है, जब विधायक का घेराव हो रहा है, तो भी वो लोग कहते हैं कि ठीक है, आपके मुद्दे बहुत जायज हैं, इसको समाधान किया जाएगा। जगन्नाथ महतो साहब ने चेन्नई के अस्पताल से कहा था कि जैसे वो झारखंड आएंगे सबसे पहले इस मुद्दे का समाधान करेंगे। वहीं अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोग जानना चाहते हैं कि ये मुद्दा दरअसल में फंसा कहाँ है, तो वेतन मान को लेकर जो है ये मुद्दा, और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको कल ही बताया था कि टेट एग्ज़ाम को लेकर जो पात्रता परीक्षा होती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो किस रूप में ली जाएगी, जो प्रशिक्षित पारा शिक्षक है और जो गैर प्रशिक्षित पारा शिक्षक, किसा दो वर्ग खड़ा हो गया इसमें, और उनके वेतनमान का निर्धारण कैसे होगा, अब ये मसला कहां पर है, तो इसको लेकर जो है विधि विभाग से राय मांगी गई थी। विधि विभाग ने राय अपनी दे दी है, जो अभी रिपोर्ट मिल रही है कि विधि विभाग ने जो है राय अपनी दे दी है। अब हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय समिति है उसको पारा शिक्षकों के मसले पर निर्णय लेना है। यानी कि अभी शिक्षा विभाग का काम आप सभी को पता होगा, मुख्यमंत्री ने अपने पास ही इस विभाग को रखा है, और सो कॉल्ड मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि वो दनादन फैसले ले रहे हैं। उन्होंने 75% आरक्षण की बात कही, वो भी विधानसभा में जाकर उन्होंने कहा कि परंपरा कायम रहनी चाहिए। इसके अलावे अलग अलग उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस मुद्दे पर वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? क्या विधि विभाग ने कुछ ऐसी राय तो नहीं दे दी है जो सरकार को जो है पूरा करना ही संभव नहीं है? तो क्या यह मसला अभी और खींचेगा? हालांकि पारा शिक्षकों ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उग्र आंदोलन किया जाएगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पारा शिक्षकों ने यह भी कहा है कि जब मंत्री अपने क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर भी उनका विरोध एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा जो है वो करेगी। अभी क्या हालात है, आपने देखा कि जब से घोषणा हुई है, हालांकि अलग अलग आंदोलन तो झारखंड में चल ही रहे हैं, और आपने देखा कि होमगार्ड के जो आंदोलन चल रहे हैं वो तो चल ही रहा है, बीआरपी और बाकी। अब यहाँ पर देखिए, पारा शिक्षक ने विधानसभा घेराव का जो पूरा शेड्यूल तैयार किया उसमें सरकार की तरफ से जो है वो कहा गया था कि घेराव करने वाले पारा शिक्षकों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उससे भी पारा शिक्षक नहीं डरे, पारा शिक्षक खड़े हुए हैं। अब देखेंगे, इसमें वक्त आते के साथ ही कुछ, जैसे ही कुछ पता चलता है तो ज़रूर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं देख रहा था कमेंट्स में कह रहे थे कि भाई पारा शिक्षक को पढ़ाने ही नहीं आता है। बहुत सारे तो पारा शिक्षकों की तरफ से भी कुछ कमेंट आए कि सर सुदूर ग्रामीण इलाकों तक भेज दीजिए, और ये सोचिए जरा कि उन इलाकों तक पारा शिक्षक जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहाँ तक शिक्षा का पहुँचना मुश्किल नज़र आता था पहले। यानी कि उनका पारा शिक्षकों का कहना है कि सुदूर ग्रामीण इलाके जहाँ पर संसाधनों का अभाव है, जहाँ पर रोड नहीं है, जहाँ पर सही तरीके से बिजली नहीं है, वहाँ तक भी पारा शिक्षक पहुँच कर जो है वो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसके थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आखिर ये पूरी समस्या खड़ी क्यों हुई है, और सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार में भी आपने देखा होगा शुरुआती दिनों में किस तरीके से पारा शिक्षकों का आंदोलन रहता था, पारा शिक्षकों की अलग अलग मांग रहती थी। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार साहब जो पिछले अगर कार्यकाल को देखें तो वो पूरी तरीके से पारा शिक्षकों के मामले पर पूरे 5 साल अझुराए रहे, समाधान पूरी तरीके से नहीं कर पाए। आखिर ऐसा क्या है, ये जो मसला है ये सॉल्व होने का नाम आखिर क्यों नहीं ले रहा है? तो देखिए, समग्र शिक्षा अभियान आपने ज़रूर सुना होगा, और समग्र शिक्षा अभियान का पूरा पूरा लक्ष्य यह था कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा जो उसका वास्तविक
उसके कहते हैं कि एजुकेशन इज अ लिबर्टिंग फोर्स विच कट्स द बैरियर ऑफ कास्टिज्म और बाकी जातिवाद के बंधन हो, रूढ़िवादिता, तमाम चीज़ों को, मानसिक विकास की जब हम बात करते हैं तो उन तमाम चीज़ों को सही करने का काम शिक्षा कहीं ना कहीं विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों तक करती है। लेकिन दोस्तों, जब उसके लिए क्या चाहिए, शिक्षकों का एक बल चाहिए, शिक्षक बल इसे कह सकते हैं, और शिक्षकों की वैकेंसी बड़े स्तर पर एक पूरा जो है कहीं ना कहीं इसमें, चूंकि केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका उनके वेतन को देने में, अब पूरा मसला जो है यहीं से जो है वो हो गया। अब देखिए, जो उनके अस्थायीकरण, जो उनके वेतनमान की डिमांड थी, उनका ये तो मांग उनकी पुरानी है, और मांग इस मांग दरअसल पारा शिक्षकों की क्यों थी, शुरुआती तौर पे इनको अस्थाई तौर पे नहीं रखा गया था, जिस कारण से कि अब इनके भी जीवन में जो है, अब मान लीजिए कोई शुरुआती तौर पे अगर कोई आदमी जॉब की तलाश करता है तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद उसे लगे कि भाई हमें कोई अस्थाई जॉब चाहिए, हो सकता है यह भी हो कि भाई हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, हमारे फैमिली का क्या होगा, कैसे वो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, इसके लिए तो एक ऐसा जॉब चाहिए जो हमें सिक्योर रखे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो है अस्थायीकरण की मांग उठी। और दूसरी साइड अगर हम बात करते हैं कि वेतनमान की मांग, तो वेतन जो है शुरुआती तौर पर उनका काफ़ी कम हुआ करता था, और वह इतने कम वेतन में फैमिली चलाना, अपने घर को चलाना संभव ही नहीं है। तो ये कुछ कारण है जहाँ से इनके ये दोनों खास करके मांग पर जो है उठी। हालांकि कल्याण कोष से जो झारखंड के पारा शिक्षकों को सरकार ने तोहफा भी दिया, लेकिन मुख्य मसला जो है वेतनमान और अस्थायीकरण पर आकर जो है क्यों आखिर अड़ा हुआ है, जो हमें खबर मिल रही है सरकार बड़ा फैसला जो है इस पर लेगी। ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार हो गया है, विधि विभाग ने राय जो है वो सौंप दी है, और अब सभी की निगाहें हेमंत सरकार पर टिकी हुई है, और खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, क्योंकि यह विभाग जो है उन्होंने अपने पास रखा है, इस विभाग को अपने पास मुख्यमंत्री ने रखा है जगन्नाथ महतो साहब की, जब तबीयत ठीक नहीं थी। हालांकि उस दिन भी इसी संदर्भ में कुछ बड़ी मीटिंग थी जब वो बीमार पड़े, और उनके मन में भी हमेशा से, जब मैं देखता था, सुनता था उनके भाषणों को भी, तो वो बार बार कहते थे कि पारा शिक्षकों के मुद्दों का समाधान होगा। एक भावुक अपील उन्होंने अस्पताल से की थी कि जैसे ही वो झारखंड लौटते हैं तैसे ही पारा शिक्षकों के मुद्दों का समाधान प्रमुखता के साथ जो है वो करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दोस्तों कि वेतनमान को लेकर जो है कुछ ना कुछ विधि विभाग की जो राय है सरकार, हो सकता है कि उससे असहमत हो, तभी इसमें देरी लग रही है, या फिर कोई बीच का ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे कि पारा शिक्षक भी खुश हो जाएं और वो भी आंदोलन करना छोड़ दें और सरकार भी अपने सही तरीके से काम करें। तो क्या इसमें कितना वक्त लगेगा, हालांकि अब देखने वाली बात है। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ये डिमांड करती है कि इसमें लेट ना करे सरकार, जो भी निर्णय लेना है जल्द से जल्द ले, और ताकि विद्यार्थियों का भी नुकसान ना हो और पारा शिक्षकों का भी नुकसान ना हो और सरकार का भी नुकसान ना हो, सरकार की भी किरकिरी ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।